गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो आई एम योर ड्रॉइंग टीचर एंड टुडे वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर इन आर ड्रॉइंग बुक. और जो हमारी ड्रॉइंग बुक है उसका क्या नाम है? कलर प्लस. यस, ये बुक है और इस बुक का फर्स्ट चैप्टर है जिसमें एक पपी की फ़ोटो बनी हुई है. तो अब इस फोटो को हम कैसे कंप्लीट करेंगे और कलर करेंगे, आइए देखते हैं. ड्राइंग को बनाने के लिए हमें पेंसिल, इरेजर, शार्पनर और कलर की ज़रूरत है. सबसे पहले स्टेप वन, ऐसे हमारे पास सर्कल्स बने हुए हैं. स्टेप टू में हमें इसकी आंखें बनानी हैं, फिर इसका ये वाला ईयर बनाना है लाइक दिस, फिर हमें इसका इधर वाला ईयर बनाना है. सो ये दोनों ईयर देखो, ये ऐसे यहाँ पे सेम गया है ना. सो हम इसको ऐसे करेंगे कि ये ईयर भी हम यहाँ से स्टार्ट करें. सो ये ईयर ऐसे जाएगा और ऐसे, है ना, ऐसे ही है ना. और इसे फिर हम हल्का सा इरेज करके नीट एंड टाइडी तरीके से ड्रॉ कर लेंगे. अब इसका माउथ बनाना है हमें. सो माउथ हम इसका देन फिर हमें इसकी टेल बनानी है. तो टेल ऐसे और ऐसे बनेगी. फिर हमें इसके लेग्स बनाने हैं, तो हम इसे ऐसे करेंगे और फिर ये दूसरा लेग ये हम फिर ये तीसरा लेग. इतना तो आप लोगों को पता है ना बेटा कि पपी के फोर लेग्स होते हैं. सो हम इसके फोर लेग्स बनाएंगे और जो लास्ट लेग है हमारा वो कुछ ऐसा बनेगा. फिर हम इसके ऊपर ये हल्के हल्के इस तरह के मार्क्स बना देंगे. सो ये हमारा पपी बनकर तैयार हो गया. अब इसे हम कलर करेंगे. सो कलर करने के लिए पहले हम ब्लैक कलर लेके इसकी आईज में करेंगे. सबको दिख रहा है ना, दिख रहा है ना. देन फिर हम बहुत लाइट कलर इसके ईयर्स में करेंगे. देन फिर हम यहाँ पर करेंगे सबको दिख रहा है ना बेटा. देन फिर ब्लैक कलर टेल में करेंगे. यस, कलर करने के लिए सबसे पहले आप उस जगह को ऐसे आउटलाइन कर लिया करो एंड उसके बाद उसके अंदर से आप इस तरह कलर फिल कर दिया करो. जैसे ये है ना, तो पहले हम इसे ऐसे आउटलाइन कर लेंगे, हमने कर लिया ना, और अब हम ईजली इसके अंदर कलर फिल कर देंगे ताकि हमारा कलर कहीं बाहर भी ना निकले और ये नीट एंड क्लीन भी लगे. सेम हम ब्लैक कलर यहाँ करेंगे. अब देखिए हमने ब्लैक इसकी हमने नोज़ नहीं बनाई थी, आप लोग तो भूल ही गए इसकी नोज़ बनाना. तो हम पपी की नोज़ भी बनाएंगे और हम इसमें भी ब्लैक कलर फिल कर देंगे लाइक दिस. अब हम पपी का जो माउथ है उसे करेंगे, तो वो हम करेंगे रेड कलर से. यस, वेरी गुड. अब हम अपना पपी किस कलर से करें, कौन सा कलर हमारे पपी के ऊपर अच्छा लगेगा. यहाँ तो इन्होंने येलो यूज़ किया है, हम भी करते हैं, हम ऑरेंज यूज़ करते हैं. सो सबसे पहले इस तरह नीटली हम इसे आउटलाइन करेंगे
बहुत नीटली से धीरे धीरे हल्के हाथों से आउटलाइन कर लेंगे। आउटलाइन करने से ये होता है आपका जो कलरिंग है वो बहुत ही नीट क्लीन एंड टाइडी होता है, उससे आपके कलर बाहर नहीं निकलते और आपको पता रहता है आपको कौन सा कलर कहाँ पर करना है। देखिए इस तरह हमने इसे आउटलाइन कर लिया। एंड दिस वन तो ये देखिए हमारा पूरा पप्पी आउटलाइन हो गया। अब इसे हम कलर करेंगे, तो कलर करना हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कलर करते टाइम हमेशा आप जिस वे में कलर कर रहे हो, अब मैं ऐसे ऐसे कलर कर रही हूँ तो मैं ऐसे ऐसे नहीं करूँगी, मैं ऐसे ही ऐसे पूरे पपी को कलर करूँगी ताकि ये एक नीट लुक आए। ओके हमारा पपी कलर हो गया है। अब हम इस ये देखिए ग्रीन कलर की ग्रास है जहाँ पे पपी खड़ा है, तो हम ग्रीन कलर लेके ऐसे ऐसे बहुत लाइट इसके पैरों के नीचे हल्की हल्की इस तरह से ऐसे बीच पे ग्रासेस बना देंगे, जिससे ये लगे कि ये पपी ग्रास पर खड़ा हुआ है। ओके सो ये हमारा पपी बनकर तैयार हो गया। अब आप लोग देखिए, आप ये पपी तैयार हो गया। अब सब बच्चे अपने आर्ट कॉपी के फर्स्ट पेज पे इसको ऐसे कंप्लीट करके यहाँ पे क्लास वर्क लिखेंगे, यहाँ पे डेट लिखेंगे, देन यही ड्राइंग सेम आप अपनी ड्राइंग कॉपी में बनाएंगे, वाइट पेजेस वाली जो ड्राइंग कॉपी है आपकी, एंड वहाँ पे ऊपर आप क्लास वर्क लिखेंगे, डेट लिखेंगे और ऐसा ही एक पपी बनाएंगे और उसे कलर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सबको समझ में आया? नाउ पेज नंबर 3 पर देखिए, ये एक ड्राइंग दी हुई है, ये आपकी होमवर्क है। सब लोग नोट करिए, इस पेज नंबर 3 के ऊपर आप यहाँ होमवर्क लिखिए और यहाँ आप डेट डालेंगे, तो डेट होमवर्क आज का, तो डेट भी हमारी आज की, तो आज हमारी है 11 जुलाई 2020। यहाँ होमवर्क सेम ऐसा ही पपी आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। लिखा है ना, अनिल इज़ लुकिंग फॉर गुफी बट कैन नॉट फाइंड हिम, तो ये गुफी जो है, ये डॉग जो है, डॉग बोन खाते हैं, हड्डियाँ खाते हैं ना, तो यहाँ बोन है तो यहाँ पे डॉग होगा। अब जैसे यहाँ पे ये पिक्चर बनी है, आपको ऐसी ही पिक्चर नीट एंड क्लीन कंप्लीट करके और कलर करके इसे आपको होमवर्क दिखाना है। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड? ओके, थैंक यू।